नमस्कार दोस्तों, अभी आपके दिलो दिमाग से कोरोना का कहर ओझल भी नहीं हुआ है और दिल्ली में डेंगू का डंक जोरों पर है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार डेंगू का मामला ज्यादा है, तो आपको क्या करना चाहिए। हमने कुछ लोगों से बातचीत की है, उनमें से एक हैं स्थानीय जागरूक कार्यकर्ता नंद केसवानी। इन्होंने डेंगू को लेकर लोगों से क्या कहा, क्या अपील की, आइए सुनते हैं उन्हीं के जुबानी। नमस्कार, मैं नंद केसवानी। साथियों, डेंगू जो बीमारी है इस टाइम बहुत ज़्यादा फैल रही है, और मैंने आज सुबह अखबार में पढ़ा कि अस्पतालों में डेंगू के मरीज बहुत इकट्ठे हो गए हैं, और पिछले साल से इस बार अभी तक डबल डेंगू के मरीज आ चुके हैं। और इस बीमारी को रोकने के लिए हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब जागरूक होंगे तभी इस बीमारी पर हम रोक कर पाएंगे। और बहुत आसान है, हम अपने घर के आसपास और घर के अंदर खुली जगह में पानी ना इकट्ठा होने दें, क्योंकि डेंगू मच्छर साफ पानी पैदा होता है। अपने छतों का ध्यान रखें, वहाँ कोई बर्तन ना हो, बर्तन हो तो उसको उलट के रख दें। जहाँ पे पानी ना खाली हो सकता हो वहाँ पे क्रोसिन तेल डाल दें। आसपास की नालियों का ख्याल रखें, पीछे सर्विस लाइन में कोई ऐसे बर्तन ना पड़ा हो जिसमें पानी इकट्ठा होता हो, आगे रोड पे कोई पानी ऐसा बर्तन में पानी इकट्ठा होता हो तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि हम ध्यान रखेंगे तभी इस बीमारी से दूर रह पाएंगे। और हम जागरूक होंगे तभी इस बीमारी से बच पाएंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ 10 बजे 10 मिनट रविवार को नहीं, रोज हमने देखना है कि हमारे आसपास पानी ना इकट्ठा होने पाए। डेंगू जो है एक जानलेवा बीमारी है, इसलिए इससे हमने दूर रहना है और अपने घर के आसपास पानी नहीं इकट्ठे होने देना। धन्यवाद।